शिवपाल यादव आजमगढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे? देखिए, मैं तो बोल चुका हूँ इस पर, जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। जीत भी मिलेगी तय है क्या? पिछली बार तो पराजय मिली तो चुनाव में, तो जीतने के लिए ये लड़ा जाएगा चुनाव। माने कि शिवपाल यादव जीतने के लिए लड़ा? जीतने के लिए। यूपी में कितनी सीट, शिवपाल 24 में कितनी सीटें होंगी? देखिए, हम इतना जानते हैं कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजेंगे, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर देश में सरकार नहीं बना पाएगी। शंकराचार्य ने धाम को परिवर्तित करा करके क्या हिंदू मंदिर बनवा दिए हैं क्या? स्वामी बौद्धिष्ट जो स्थल थे पहले, इसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया, इस पर आप क्या? तब वो तो देखिए, स्वामी जी ने ट्वीट कर दिया है, बोल भी दिया, पढ़ लेना, समझ लेना। क्या ये जो रामपुर का दौरा है माना जाए, जिस तरीके से सपा जब जो कैडर बन रहा था शिवपाल यादव लगातार लोगों से मिलते थे, पार्टी को मजबूत करते थे, क्या कुछ इसी तरीके की तैयारी जो आज आगमन हुआ? बिल्कुल तैयारी है हमारी, संगठन को मजबूत करना, गठबंधन जो हमारे जो हमारा जो पार्टी का सर जो जवाब दे रहे हैं, अब हमारी आवाज़ इतनी निकल रही है, थोड़ा सा गला वैसा बैठा हुआ है। अखिलेश यादव सड़क पर कब तक आए? सड़क पर ही हैं आज, पता कर लो, सड़क पर ही हैं, रोज जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, सब जगह। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर काम, जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया, थाना दे दिया, और भी विकास के काम किए हैं, कितना विकास का काम किया है, अब जो अधूरा था वहीं को वहीं छोड़ दिया है भाई। ये देखिए, परंपरा बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शिवपाल यादव आजमगढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे? देखिए, मैं तो बोल चुका हूँ इस पर, जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। जीत भी मिलेगी तय है क्या? पिछली बार तो पराजय मिली तो चुनाव में, तो जीतने के लिए ये लड़ा जाएगा चुनाव। माने कि शिवपाल यादव जीतने के लिए लड़ा? जीतने के लिए। यूपी में कितनी सीट, शिवपाल 24 में कितनी सीटें होंगी? देखिए, हम इतना जानते हैं कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजेंगे, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर देश में सरकार नहीं बना पाएगी। महागठबंधन को लेकर सर, महागठबंधन को लेकर 24 चुनाव तक सपा बने रहेंगे? हम आजीवन बने रहेंगे, आजीवन सपा ही में रहेंगे, और सपा से आपने समझाई तो मैं सत्ता का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा 22 का लड़ा, हर चुनाव में समाजवादी पार्टी से ही लड़ा, साइकिल से लड़ा। दो दिन पहले आपके पीए का मामला था, आप थाने तक गए, क्या मामला था? देखिए, जहाँ पर इस तरीके की हम घर समाजवादी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का अगर इस तरीके से अगर पुलिस करेगी, और पुलिस पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है, सरकार भी इकबाल खो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह से, और अभी तक देखिए आप लोगों का भी, पत्रकारों भाइयों का भी शोषण हो रहा है, अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं का तो लड़ेंगे ही, जहाँ पर भी आप लोगों का भी शोषण होगा तो उसे भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। महागठबंधन को लेकर सर क्या कहेंगे 24 को लेकर, उसके लिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बन तो गया है। अब इस गठबंधन में आपने देखे कितने अनुभव वाले नेता हैं, जो देख लो कितने अनुभव वाले नेता हैं, कितने कितने काबिल नेता हैं। सर्वे अभी आ रहे हैं, सारे सर्वे में 4 से 5 सीटें सपा को दिखाई जा रही हैं, 70 से 72 भाजपा यूपी में।
देखिए कम से कम 40 और 50 के बीच में समाजवादी पार्टी अबकी बार ये हम तैयारी कर रहे हैं, 40-50 के बीच में हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से हराएंगे। शिवपाल जी, कुछ लोग 2000 के नोट की तरह चले गए, तो क्या कुछ लोग आएंगे भी 2000 के नोट की तरह? कुछ की तरह अब देखते जाओ क्या होगा। ये इतना हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजें, हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं, समाजवादी बहुत एक से एक अच्छे प्रत्याशी। आपका इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी कुछ जगह देगी? अब ये तो हमारी पार्टी तय कर लेगी, अब ये तो पार्टी अच्छी पार्टी इसमें सब विचार विमर्श करके तय कर लेगी। क्या बसपा से भी चल रही है इंडिया में शामिल करने की बात? अरे यार, वो तो क्या पूछ रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी से उनसे बात करो ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। अच्छा, वो तो एक तरह से बी टीम मानो भारतीय जनता पार्टी, तो उससे क्या चल लेंगे? जो हमारा जो गठबंधन किया था तभी तो ये रिजल्ट आया, ठीक नहीं आया था रिजल्ट। अब देखना, ये जो इंडिया गठबंधन बना है उसका रिजल्ट देखिए। क्या मानते हैं कि बीटी तो नेताजी एक सवाल है, मिला हुआ मिली हुई हैं मायावती जी जो मिली हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? आपकी पार्टी से सुषमा पटेल जाहिर कर रहे हैं कि पार्टी में बड़ा वो है, स्थानीय नेता होते हैं उसमें बड़ा राजनीति होती है, इसलिए सीटें नहीं निकल पाती, और अखिलेश अभी क्या करना चाहिए? अच्छा, जहाँ गए तहाँ राजनीति नहीं, मैंने पूछ लेना। नहीं, उन्होंने कहा पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था उनको, उन्होंने कहा पार्टी में सम्मान नहीं, विशेष जाति की जाति है पार्टी, एक विशेष जाति का आरोप लगता है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सम्मान कहीं मिल नहीं सकता, पता कर लें। तुरंत आई तो तुरंत चुनाव लड़ा दिया, अब हार गई तो फिर उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी एक जात विशेष की पार्टी बनकर रह गई। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो हर वर्ग के लोग, सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी में तो हर वर्ग हर धर्म के। थैंक यू।